नमस्कार, मैं गौरी आप सभी का स्वागत करती हूँ। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। लोकसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं। इस बीच आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का नाम भी खूब सुर्खियों में रहा। चाहे एनडीए में अहम भूमिका की बात रही हो या फिर तीसरी बार आंध्र प्रदेश के सीएम बनने की बात हो, हर बार उनका नाम खूब सुर्खियों में घूमा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सीएम चंद्रबाबू नायडू के लिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने ससुर से विद्रोह करके उनकी सियासी पार्टी पर कब्जा कर लिया था। और उनके ससुर के बारे में एक ऐसी बात भी कही जाती है तो सियासत के इतिहास में पहले कभी किसी नेता के लिए नहीं कही गई। उनके ससुर भी देश में नामी सियासी नेता थे, लेकिन देश में वो अजीबो गरीब हरकत करने के लिए जाने जाते थे। जी हाँ, उनकी हरकतें इतनी अजीब थी कि आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि भारत के सियासी इतिहास में ना तो पहले कभी ऐसा हुआ था और शायद ना आगे कभी ऐसा होगा। देखिए ये रिपोर्ट। एनटी रामाराव, ये नाम आंध्र प्रदेश की सियासत में खूब नामी नाम है। वहीं देश भर में लोग एनटी रामाराव को जानते हैं। तेलुगु फिल्मों के लोकप्रिय हीरो एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश की राजनीति में धूम केतु की तरह उभरे थे। एक्टिंग में हाथ आजमाने के बाद उन्होंने साल 1984 में तेलुगु देशम के नाम से अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाई। फिर 1984 में भारी बहुमत से जीतकर आंध्र प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। वह कुछ ही सालों में दक्षिण भारत के शीर्ष नेताओं में शुमार हो गए, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। वो राष्ट्रीय राजनीति में आकर प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। बस यहीं से उनकी अजीबो गरीब हरकतों की शुरुआत हुई थी। उनकी अपनी महत्वाकांक्षा ने उनको अजीब बना दिया। प्रधानमंत्री बनने के लिए वो पागल से हो गए। उन्होंने ज्योतिष का सहारा लिया। उन्होंने ज्योतिषी के कहने पर अजीबो गरीब काम किया। उनकी सबसे अजीब हरकत तो यही थी कि वो दिन में पुरुष के तौर पर नजर आते थे तो रात में स्त्री वेश धर लेते थे। जब लोगों को ये बात पता चली तो पहले विश्वास नहीं किया, फिर उसकी चुटकी भी ली। उनका ये किस्सा इतना लोकप्रिय हुआ कि आज भी जो इसे जानता है हैरान रह जाता है कि एक पुरुष नेता रात में कैसे स्त्री बन जाता था। वो रात में अपने पुरुष वस्त्रों को किनारे करके साड़ी ब्लाउज पहन लेते थे, जिस पर कांग्रेस भी खूब तंज कसा करती थी। एनटी रामाराव के बारे में केवल एक यही किस्सा नहीं है, उनके इतने किस्से हैं जिसकी वजह से उनको ड्रामा राव भी कहा जाता रहा। उनके ऊपर इंसानी शरीर की राख का लॉकेट पहनने और शव पूजा करने जैसे आरोप भी लगे। इसके अलावा वो 9 की श्रृंखला में पंजीकरण संख्या वाली कारों में यात्रा करते थे। दिल्ली में उनके लिए एक खास ऐसी ही नई कार भेजी गई ताकि जब वो दिल्ली में रहे तो इसी का इस्तेमाल करें। उनकी ज्यादातर कारों के नंबर 9999 ही होते थे। उनके बाद उनके पोते और तेलुगु सिनेमा स्टार जूनियर एनटीआर ने भी अपनी कारों का नंबर 9999 ही रखा। देखा जाए तो आपने नेताओं के कई किस्से सुने होंगे, लेकिन यकीनन ये किस्सा बिल्कुल नहीं सुना होगा। तेलुगु फिल्मों के लोकप्रिय हीरो एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश की राजनीति में धूम केतु की तरह उभरे थे, लेकिन ये धूम केतु सियासत में कोई खास असर नहीं छोड़ सका, बल्कि विवादों में ही फंसा रहा। आज की सियासत में ऐसे किस्से कहीं घूम हो गए हैं। आज भी सियासी पंदों के लिए नेता पागल हो जाते हैं, मगर ऐसी दीवानगी बहुत कम देखने को मिलती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।